बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक इलेक्शन कमीशन एक इदारे के सरबराह हैं, उनकी चोरी पकड़ी गई है और उस चोरी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पंजाब के अंदर सरगोधा शहर है जहाँ पर ये चोरी पकड़ी गई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, और ज़राए का यह कहना है कि पंजाब हुकूमत ने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा पंजाब हुकूमत का एक इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़, और ये वो सरबराह है जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसले देता है और उसके बदले फिर मराआत लेता है शरीफ माफिया और ख़ानदान से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे, एतज़ाज़ अहसन साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जो उम्मीदें थी कि तोशाखाना रेफरेंस में नाहल करार दे दिया जाएगा जो इमरान खान को, या इमरान खान नाहल हो सकते हैं और आर्टिकल 62-63 की कार्रवाई हो सकती है, उन उम्मीदों पर एतज़ाज़ अहसन साहब ने अपनी कानूनी राय देते हुए उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और एतज़ाज़ अहसन साहब ने ये कह दिया है कि इमरान खान किसी भी सूरत में नाअहल नहीं हो सकते। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। ये बेसिकली एक दरख्वास्त दायर की गई थी हल्का बंदियों के हवाले से, और ये कहा गया था कि जो हल्का बंदियाँ की गई हैं ये आईन और कानून के मुताबिक नहीं हैं, और उसमें जो वोटर लिस्टों का जिक्र किया गया था कि एक हलके से दूसरे हलके में जो लिस्टें हैं उनको तब्दील किया गया, जो वोटर लिस्टें हैं वो अपनी मर्ज़ी की बनाई गई और फिर उसमें बड़ी तादाद में ज़िंदा लोगों को मुर्दा करार दिया गया। जब ये सवाल पूछा गया अदालत की तरफ से और जस्टिस जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के भी मेंबर हैं और जज हैं, शाह जमील साहब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, वहाँ ये बताया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उस पर जब समाप्त हुई थी तो ये कहा गया था कि 40 लाख जो एंट्रीज़ हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर जो पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर है उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि 40 लाख वोटर्स गलत दर्ज किए गए हैं। उसके ऊपर मैंने भी आपको बताया था और इलेक्शन कमीशन के तर्जमान की तरफ से भी ये बात की गई थी कि ये बात दुरुस्त नहीं है और ये इसका हकीकत से तल्लक नहीं है, और मैंने उनको जवाब दिया था कि हकीकत से तल्लक है या नहीं है, हम तो वो बताएँगे जो आपके इलेक्शन कमिश्नर ने लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर जो स्टेटमेंट दी है हम तो वो स्टेटमेंट बताएंगे। अब वो दुरुस्त है या गलत है ये आप अपने इलेक्शन कमिश्नर से पूछें, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और वो 40 लाख, और ये सिर्फ मैंने नहीं, तमाम मीडिया चैनल्स ने और तमाम रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दौरान समात बयान दिया है कि 40 लाख जो वोटर्स लिस्टें हैं उसमें गलतियां हैं और वो गलत तरीके से जो वोटर लिस्टें हैं वो तैयार हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कल का जो दिन था उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से 1,35,000 जो वोटर्स हैं वो वोटर लिस्ट हैं उनमें जो मुर्दा थे उनको ज़िंदा करार दिया गया है और उसकी तसहीह की गई है, और ये ख़ुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है कि गलती से क्लैरिकल मिस्टेक की तरह की वजह से जो ऑपरेटर था उसकी गलती की वजह से 1,35,000, और ये पूरे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, एक एरिया की बात हो रही है, 1,35,000 समथिंग जो मुर्दा जिनको डिक्लेयर किया गया था अब उनको ज़िंदा डिक्लेयर कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो बाकी जो सूबे या इलाके हैं वहाँ पर भी तस्दीक करेंगे, और आज उसके हवाले से जो फाइनल फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नादरा और लोकल गवर्नमेंट से मिलकर दोबारा इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक का फैसला किया है। चूँकि बहुत ज़्यादा तनकीद थी, बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन तो नहल हो चुका है जो इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है, जो 40 लाख वोट आगे पीछे कर सकता है, और आप जानते हैं कि वो वोट भी खास तरह के हैं जिनको ये आगे पीछे करते हैं, और यही वजह है कि फिर इनके खिलाफ जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई, और अब नादरा और लोकल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से वोटर्स लिस्टों में बेजाबतियाँ दूर करने का फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड और इंतखाबी फहरिस्तों की खुद मॉनिटरिंग और इंतखाबी फहरिस्तों में बेजाबतियाँ ख़त्म करने के लिए आवाम से भी अपील की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इश्तिहारी मुहिम चलाई जाएगी, सब अफराद अपना वोट
8300 पर मैसेज करके वोट की तस्दीक करेंगे। ये पहले भी हो चुका है और 8300 पर जिसने भी वोट के लिए तस्दीक की जो मैसेज भेजा और अक्सर को वो गलत आया और उसमें ये बताया गया वो जिस हलके से बिलोंग करते थे उस हलके से हटकर उनको हलका दिया गया और अब इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम जो वोटर लिस्टें हैं उनकी नए सिरे से तस्दीक करेंगे। चूँकि कल ये खबर चल रही थी और इसके ऊपर बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं या हलका बंदियाँ हैं वो कम्प्लीट कर ली है और आखिरी रुकावट भी जो इलेक्शन में आखिरी रुकावट है वो भी दूर हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से रात गए कल रात के अंधेरे में एक इजलास बुलाया जाता है, उस इजलास के लिए इलेक्शन कमीशन को आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराई में एक अहम इजलास होता है और उसमें वहाँ कहने वाले ये भी कहते हैं कि कुछ अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है हुकूमती शख्सियात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। वहाँ पर फिर ये फैसला किया गया कि मीडिया तो आज ये कह रहा है कि जो आखिरी रुकावट थी जल्दी इलेक्शन करवाने में वो भी ख़त्म हो गई है तो आप इस मामले को लटकाएं, तो उसके बाद फिर जो खुद ब्लंडर किए खुद गलतियां की कि अगर तो ये गलतियां चल गईं तो उसका फ़ायदा भी जरदारी और शरीफ माफिया को होगा और अगर इन गलतियों की बुनियाद पर हमें दोबारा मौका मिल सकता है कि हम इसकी तस्दीक करें तो मज़ीद टाइम मिल जाएगा और हम कहेंगे कि अभी तो हमने वोटर लिस्टों की जो तस्दीक है वो शुरू की हुई है और इस वजह से हम मज़ीद अभी हमें वक्त चाहिए और अभी हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। इंतखाबी फहरिस्तों की हतमी फहरिस्त का इजरा 25 अगस्त को किया जाएगा। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने तक कोई भी शहरी वोट की तस्दीक और वोट ट्रांसफ़र करवा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िलाई और रीजनल अफसरान और मुलाज़मीन की छुट्टियां बंद कर दी हैं। ज़िलाई और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर वफात पा जाने वाले अफराद का डाटा तवज्जो से चेक करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सर्कुलर में ये कहा गया है कि किसी भी अफसर को काम मुकम्मल करने तक छुट्टी नहीं मिलेगी। वोटर लिस्टों की तस्दीकी अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। तमाम अफसरान 10 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाएँ। अब यहाँ ये भी कहने वाले कह रहे हैं कि ये एक धांधली का मंसूबा बनाया गया है, रात के अंधेरे में ये इजलास किया गया है और उसमें यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हलके जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं जिन्होंने लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था उनको आगे पीछे किया जाए, उनके या उनका नाम निकाला जाए या उनके हलके तब्दील किए जाएँ। बड़ी तादाद में 10 से 15 हज़ार जाली वोट वहाँ पर डाले जाने का भी इंकशाफ हुआ है कि वो शामिल किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवाया जा सके। ये कोई कौम की खैरखाई में इलेक्शन कमीशन ने दोबारा तस्दीक शुरू नहीं की। इलेक्शन कमीशन से कोई भी उम्मीद रखना खैरखाई की मैं नहीं समझता कि वो कोई दुरुस्त बात होगी और इस वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने ये नया काम शुरू किया है। जबकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो चीज़ सामने आई है और वो ये है, एक तो मैं एतज़ाज़ अहसन साहब का आपको बता दूं कि एतज़ाज़ अहसन साहब की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान को इलेक्शन कमीशन नाहल करार दे सकता है तो एतज़ाज़ अहसन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंतजामी इदारा है, ये कोई अदालत नहीं जो कि नाहली का फ़ैसला करे। आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई का अख्तियार सिर्फ अदालत के पास मौजूद है। इस केस में आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई हो ही नहीं सकती, इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस बनता ही नहीं है। ये एतज़ाज़ अहसन साहब की तरफ से पूरी कौम को यह बता दिया गया है। जो तोशाखाना रेफरेंस दायर किया गया है उसमें एतज़ाज़ अहसन साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को ताहयात नहल नहीं करार दे सकता। ये वो सवाल है जो पेंडिंग पड़ा है फैसल वावडा के केस में सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने इसके ऊपर देखना है कि 62(1)(f) के तहत क्या इलेक्शन कमीशन किसी को ताहयात नहल करार दे सकता है। एतज़ाज़ अहसन साहब ने आज अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नहल करार नहीं दे सकता। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से सरगोधा में एक बड़े रकबे पर मुश्तमिल प्लाटों की ख़रीदारी का मामला सामने आया है और ज़रा ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरगोधा में काफ़ी रकबा हासिल किया है और ज़रा ये भी कहते हैं कि यह रकबा लाहौर का जो शरीफ ख़ानदान है उसकी तरफ से गिफ्ट किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके बदले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं और मज़ीद फ़ैसले देगा। अब यह ज़रा की खबर है और इसमें ज़रा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब हुकूमत है उसने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इसलिए सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ अगले चंद दिनों में पंजाब हुकूमत जो महकमा एंटी करप्शन
एक्शन है वो उनको तलब भी कर सकता है, समन भी कर सकता है, क्योंकि ये हाल ही में ये रकबा ख़रीदा गया है और ये रकबा उनके आमदन से मैच नहीं करता, मुताबकत नहीं रखता। और इस बात का सबूत मिले हैं पंजाब हुकूमत और महकमा एंटी करप्शन को कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये नवाजा गया है ख़ास लोगों की तरफ से, इस वजह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पंजाब हुकूमत ज़राए का ये कहना है कि अगले चंद दिनों में पंजाब हुकूमत और महकमा एंटी करप्शन इसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को आगाह करेंगे और इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है इनको समन भेजा जाएगा। ये असल चोरी है जो सिकंदर सुल्तान राजा की पकड़ी गई है। देखते हैं मज़ीद क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।